मेरा नाम है इमरान, मैं आपका वेलकम करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल ESG डिस्कस पर। फ्रेंड्स, हमारा आज के ब्लॉग में हम लोग देखने वाले हैं कि जो हमने प्रोसेस स्टार्ट किया था बटरफ्लाई और रेड कवर का, अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा होगा तो आप जाके देख सकते हैं। मैंने दोनों को, ये रेड कवर भी कन्फर्म नहीं हो रहा था मेरा पैर, और दो अटैम्प में उसने बच्चे नहीं निकाला था, उसमें समझ में नहीं आता कि क्या प्रॉब्लम है। अच्छे मेल फीमेल तो कन्फर्म थे, और बटरफ्लाई हम लोग इंटर वैसे लिए थे तो वो लेकर आया था, तो उसकी फीमेल जो है बच्चे खा रही थी। ठीक है, अब ये दोनों से कैसे इनको ट्रेन करना, और ट्रेनिंग के प्रोसेस में अब मैं आपको बता दूं, रेड कवर जो ये वीक 3 के प्रोसेस में चल रहा था, जिसका अभी हमारे पास करंट रिजल्ट आ चुका है, यानी ब्रीड हो चुका है, और बहुत सारे बेबीज भी आए हैं माशाल्लाह, और मेरे से 90% उसने हैचिंग दिया है। तो आई एम वेरी हैप्पी कि जो हम लोग जो प्रोसेस कर रहे हैं उसके अंदर हम लोग को कामयाबी मिली। अब जो मगर बटरफ्लाई जो है ना, ये फेज 1 के प्रोसेस में, वीक 1 का प्रोसेस में इसको नाम दिया कि वीक 1 प्रोसेस में आ गया है। इसको अभी हमने वो टैंक में से तो हटा दिया, क्योंकि वहां पर ऑलरेडी एक पैर रेड कवर का ब्रीड हो चुका है। इसके लिए अभी हमने उसको क्या किया कि दूसरे कॉमन टैंक में छोड़ा, क्योंकि हमने इम्तियाज भाई को पूछा इसकी हिस्ट्री पैर की, तो उन्होंने बोला कि मैंने बहुत टाइम से इसको कॉमन में रखा नहीं, 1-1.5 साल से ब्रीडिंग टैंक में ही है, मेरे पास तो कन्फर्म हुआ नहीं, इसके लिए मैंने आपको दे दिया। तो हमारे यहाँ तो 2 बार बच्चे निकाल चुका है, जैसे हमने पहले भी वीडियो में बताया, और दोनों बार फीमेल ने बच्चे खा लिए। तो अब वो वीक 1 का जो ट्रेनिंग प्रोसेस है वो उसके अंदर आ चुके हैं फ्रेंड। ये भी 3 वीक का प्रोसेस रहेगा, अभी देखते हैं, अगर ऊपर वाले चाह तो जरूर ये भी ब्रीड मारेगा बहुत अच्छे से। और तो मैं अभी आपको मेरे रेड कवर का रिजल्ट दिखाता हूँ। तो आज का ब्लॉग इसी के बारे में होगा फ्रेंड, इसके लिए वीडियो को लास्ट तक देखना, पूरा देखना, बहुत मजा आएगा फ्रेंड। ठीक है, हाँ तो फ्रेंड्स, ये मेरा वो ब्लू रिम रेड कवर का पैर है, आप देख सकते हैं नेचुरल लाइट में कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। और आगे मैं थोड़ा जाता हूँ नजदीक तो आपको दिखेगा, थोड़ा जूम करता हूँ, आप देख सकते हैं बेबीज, ये फर्स्ट टाइम आया फ्रेंड, और बहुत अच्छे पेरेंट्स है ये लोग। पिछली 2 बार तो इन लोग ने भी खा लिया था, लेकिन रिजल्ट आया नहीं था, अंडे हैच हुए थे नहीं हुए थे कुछ पता नहीं चला, लेकिन अभी आ चुका है फ्रेंड, आप देख सकते हैं वीडियो में, माशाल्लाह बहुत है। जितने ये साइड बच्चे हैं उतने ही वो साइड भी है, आपको एक पॉसिबल व्यू ऊपर से दिखाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन ये थोड़ा हाइट के ऊपर रखा है ना मैंने, इसीलिए थोड़ा ऊपर चढ़ना पड़ेगा, तो मैं आपको दिखाता हूँ फ्रेंड। हाँ तो फ्रेंड, ये टॉप व्यू है, आप देख सकते हैं ये पैर, और जूम करूंगा तो शायद दिखेगा, ये रे बेबीज और भी आपको नजर आ रहे होंगे। तो फ्रेंड, हमारे चैनल पे हम लोग सारी चीजें आपको सिखाएंगे कि वे कैसे ब्रीड करना, कैसे इनको ट्रेन करना। बहुत सारे लोग फ्रस्ट्रेट होकर पैर को बेच देते हैं, मैं मगर बहुत साल की डिस्कस कीपिंग में मैं सीखा और कैसे इनको ट्रेन करना और कैसे उनका कॉन्फिडेंस वापस जीतने का, तो ये सारी चीजें हम आपको आने वाले वीडियोस में सीखने के लिए मिलेगी फ्रेंड। तो आप देख सकते हैं कितने प्यारे और कितनी अच्छी क्वांटिटी में ये लोग ने बच्चे निकाले है। हाँ तो फ्रेंड, अभी आपने देखा कि माशाल्लाह कितने अच्छे बेबीज निकाले उन लोग ने। और एक गुड न्यूज थी कि 1 साल के बाद जो हमारा ब्लू डायमंड की फीमेल ने फिर से अंडे लगा दिए, जो 1 साल से लोग ब्रीड नहीं कर रहे थे। अब पता नहीं कि वो फर्टाइल हुए कि बच्चे आएंगे नहीं आएंगे, नीचे हमने जाली तो मार दी है, यानी हमारे 2 खुशखबरी आ गए, दोनों पैर जो फिर से सेट हो गए, और एक बार उसने अंडे लगा दिए इसका मतलब वो फिर से लगाएगी। अगर रिजल्ट नहीं भी आता है तो डिप्रेस होने की या निराश होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि हम लोग और भी मल्टीपल अटेम्प्ट में इसको कवर कर सकते हैं। ठीक है, हाँ तो फ्रेंड, मगर हमने बटरफ्लाई के पैर को जो अभी वीक 1 के प्रोसेस में लिया है ना, वो मैं आपको दिखाता हूँ कि व्हाइट बटरफ्लाई का पैर अभी हमने फिलहाल तो उसको कॉमन में छोड़ दिया है फ्रेंड, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ, वहां से उसकी ट्रेनिंग पीरियड स्टार्ट होगी। ठीक है, और यहाँ हमने हमारा जो है बटरफ्लाई का पैर जो है कॉमन में मेरे छोड़ दिया है, आप देख सकते हैं मेरे कॉमन टैंक है, वो रही फीमेल, ये फीमेल है और ये रहा मेल,
ये लोग अभी लगभग 2 साल के हो चुके हैं फ्रेंड, और मेरे इसके अंदर जो पीसेस है वो 5 इंच के हैं, और लगभग 1 साल के हो चुके हैं फ्रेंड, 14 महीने के हैं, और ये लोग 2 साल के लगभग है बटरफ्लाई का फ्रेंड। तो यहाँ पर अभी ट्रेनिंग पीरियड में है, इसमें थोड़ा कॉम्पिटिशन देने वाले मेल को, छोटे छोटे मेल है, उसके साइज जितने तो नहीं है, लेकिन देखते हैं अभी इसमें रहने के बाद ये लोग के अंदर कितना चेंजेस आता है। और मेन तो यही है कि मेल का जो एग्रेशन है, देख रहे हैं आप, इतना लाइट एग्रेशन नहीं होना चाहिए मेल के अंदर। अच्छा मेल होता है बहुत एग्रेसिव होता है और बहुत प्रोटेक्टिव होता है अपने फीमेल को लेके, इसमें जरा भी नहीं है, क्योंकि ये 1-1.5 या 2 साल से कॉमन में आया ही नहीं है, ब्रीडिंग टैंक में ही पड़ा है। तो मे बी इसके बाद कुछ प्रॉब्लम था और ब्रीड भी नहीं हुआ था, तो हमारे यहाँ आके तो ब्रीड हो चुका है फ्रेंड। तो आने वाले टाइम में देखते हैं, अभी 1-1.5 महीने में इसको ट्रेनिंग करके इसको फिर से ब्रीड लेंगे, ताकि ये लोग वीक नहीं हो जाए और इनके जो है स्ट्रेंथ जो है वो वेस्ट नहीं हो ज्यादा। इसके लिए इनको प्रॉपरली जब रेडी हो जाएंगे तो तभी इनको वापस ब्रीडिंग टैंक में हम लोग छोड़ेंगे, ठीक है। यहाँ हमारी रेड कवर की फीमेल है फ्रेंड, ये उसके बच्चे आप देख सकते हैं वीडियो में, और माशाल्लाह ये लोग काफी बड़े हो रहे हैं अभी और बहुत अच्छे से फीड खाते हैं फ्रेंड। और इसके मेल हमने हटा दिया है यहाँ से, क्योंकि बच्चे लोग उसको बहुत सता रहे थे इसीलिए। तो स्वंच फिल्टर में डेली 3 बार तो कम से कम धोता हूँ, ताकि आप देख रहे कि बच्चे जो पिकिंग कर रहे हैं ना, ये अच्छी आदत नहीं है, लेकिन आज ये धोया हुआ है, इसके लिए कोई डरने की बात नहीं है। लेकिन अगर ज्यादा पिकिंग करेगा तो मैं थोड़ी देर के लिए हटा दूंगा। और इसका स्टोन हमने यहाँ पर रखा है, देख सकते हैं आप वीडियो में, ये स्टोन हमने हर टाइम का उसका पर्सनल स्टोन है, ये स्टोन हम लोग लगा देंगे वापस और फिल्टर निकाल देंगे ज्यादा टाइम अगर बच्चे लोग इसके ऊपर पिकिंग करेंगे तो, ठीक है। तो ये भी हमारी बहुत ही ब्यूटीफुल ब्लू रिम रेड कवर की फीमेल है, और इसके कुछ बच्चे हैं लगभग 25 के करीब। तो ये है हमारा, भी बहुत खुशी हो रही फ्रेंड इसको देख के, माशाल्लाह बहुत अच्छे से रेस किया है। हाँ तो फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। फ्रेंड हम लोग सोच रहे थे, खदीजा भी बहुत दिन से बोल रही थी कि अब्बा चलो ना लाइव जाते। मैं बोला ऐसे लाइव नहीं जाएंगे, कोशिश करेंगे कि एडवांस में बोले लोगों को कि संडे को हम लोग कोशिश करेंगे लाइव आने की। तो मैं वही बोल रहा था, अभी खदीजा तो स्कूल गई है फिलहाल, अब आएगी वहां से तो हम लोग डिसाइड करेंगे कि संडे को कब लाइव आना है, और इसका टाइमिंग हम लोग आपको अर्ली में बता देंगे, वीडियो में मैं डालूंगा फ्रेंड। तो ये छोटा सा अपडेट था, कुछ चीजें अच्छी होती तो शेयर करने के लिए आप लोगों के साथ, ठीक है। और बहुत आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं फ्रेंड हर तरीके से, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया फ्रेंड। जितने लोग खाना ले रहे और उनका जो फीडबैक आ रहा है, उनकी फिश किसा खाना खा रही फीडबैक दे रहे, और उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया फ्रेंड, ठीक है। तो अगर आपको हमारे चैनल में सीखना है कि डिस्कस को कैसे पाले, कैसे ब्रीड करें, कैसे उनको ट्रीटमेंट करें, कैसे उनकी टेक केयर करें, तो हमारे चैनल पे जाकर सारे वीडियोस देखना फ्रेंड, सारे वीडियोस, ठीक है। और अगर आपको कंटेंट पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि खदीजा भी बोल रही थी कि डैडी अभी भी हम लोग को 60% लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे, सिर्फ देख रहे। तो मैंने कहा कि कोई नहीं, सब लोग करेंगे, जो रियल फिश कीपर होगा वो जरूर करेगा, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच।